उनसो का पूरा नाम क्या है? इन्होंने सोशल कॉन्टेक्स्ट लिखे थे। और मॉन्टेस्क्यू ने जीन जैक रूसो होगा ना। चलो यहाँ पर जैकस है ना, ओके। फॉर व्हाट पर्पस डिड लुई 16 कॉल टुगेदर एन असेंबली ऑफ स्टेट्स ऑन 5th May 1890? मत बताओ। ठीक है, Who constituted the third state? Philosophers and authors, clergy and nobility, peasants and artisans, illiterate men and women. थर्ड स्टेट में कौन कौन आता था? फिलोसफर एंड ऑथर्स, क्लर्जी एंड नॉबिलिटी, पीजेंट्स एंड आर्टिजन। ठीक है, नाउ हूज नेम इज एसोसिएटेड विद द पैम्फलेट दैट इज व्हाट इज द थर्ड स्टेट? किसने ये लेख लिखा? दैट इज द व्हाट इज द थर्ड स्टेट? मीराबियू ने, जॉन लॉक ने, मॉन्टेस्क्यू ने या एविसेज ने? अभी सही ने क्या लिखा बताओ? That is what is the third state. What did Bastille symbolizes as? Bastille ये किस लिए थी बताओ? Military strength of France, humanity, that is despotic rule of Louis 16 या Louis 16 stubbornize है। तो जो Bastille जेल थी वो किस चीज को symbolize करती थी? बोलो। ये किस चीज को सिंबलाइज करती थी? दैट इज मिलिट्री स्ट्रेंथ फ्रांस की, वहां की मानवता को, कि लुई 16 की तानाशाही को, कि लुई 16 के कायरतापूर्ण कार्य को। दैट इज द डेस्पोटिक रूल ऑफ लुई 16। ओके, बास्टिल जेल किस चीज को सिंबलाइज करती थी? डेस्पोटिक रूल ऑफ लुई 16। इट इज अ काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप का डेस्पोटिक, तो इसीलिए उन्होंने उसको तोड़ दिया, नहीं तो तोड़ी नहीं जाती। नाउ व्हेन वाज बास्टिल डिस्ट्रॉयड? 14th July 1889, 14th July 1798, 1789, 1798, 2 July 1789, 5th August 1879। बास्टिल जेल कब डिस्ट्रॉय की गई? 2 जुलाई, मुझे तो नहीं पता कब डिस्ट्रॉय की गई। 14 में तो आंसर नहीं है, चार आंसर है। कौन सा आंसर सही है? 14th July 1789 को डिस्ट्रॉय की गई होगी। ओके, जैकस, JACQUES। ओके, और एक चीज अभी हमने आपको और बताई कि ये पैम्फलेट किसने लिखा था? ABCS। व्हाट इज द थर्ड स्टेट? सो ABCS ने लिखा था। What is the third state? Now, what was the main objective of Constitution? 89 में National Assembly की स्थापना हुई थी, 91 दो साल में उन्होंने अपना Constitution बना लिया था। So, what was the main objective of Constitution? To dethrone the king, to limit the power of clergy and nobility, to limit the power of king, to make the king more powerful. Constitution का उद्देश्य क्या था? To limit power of king. Who were active citizens? That is entitled to vote, not entitled to vote, entitled to protest, entitled to accumulate wealth. That is कहाँ पे? पैसा इकट्ठा करना, एक्यूमिलेट। तो जो पैसा इकट्ठा कर सकते थे
उन्हें एक्टिव सिटीजन्स कहा जाता था या दे आर एंटाइटल्ड टू वोट, उन्हें एक्टिव सिटीजन्स उनको एक्टिव सिटीजन्स कहा जाता था। व्हाट वाज सेप्टर? सेप्टर से तुम क्या समझते हो? इट इज द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। टू गोल्डन सेप्टर था ना, सुनहरा एक राजदंड था, तो उससे तुम क्या समझते हो? सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, सिंबल ऑफ इटर्निटी, सिंबल ऑफ डीप नॉलेज, सिंबल ऑफ रॉयल पावर, सिंबल ऑफ रॉयल पावर। अब वो सेप्टर किसके हाथ में था? वो गोल्डन सेप्टर, बोलो किसमें? मैरियानी ना, मैरियानी क्या था? चित्र नहीं देखा वो रूलिंग रॉड। और इटर्निटी का कौन सा सिंबल है? स्नेक अपनी टेल को बाइट कर रहा है। स्ट्रेंथ का कौन सा सिंबल है? वो गट्ठर, जो बहुत सारी रॉड्स गट्ठर में बंधी हुई है, सबके अलग अलग सिंबल हैं। उसी तरीके से रॉयल पावर का कौन सा सिंबल है? सेप्टर, सही है। चलो, व्हाट इज द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस? व्हाइट रेड पर्पल, ब्लू रेड ब्लैक, ब्लू रेड व्हाइट एंड येलो ग्रीन, बोलो बोलो तेजी से बोलो ना। What are the three colors of national colors of France? By whom the Phrygian cap won and on what occasion? जो ये red color की cap होती थी, वो किसके द्वारा पहनी जाती थी? The man on becoming a slave, by a slave on becoming free, or by a slave on becoming victorious, or by a soldier on accepting defeat? बोलो। Becoming Phrygian cap किसके द्वारा पहनी जाती थी? When a slave getting free, तो इसी तरीके से जो फ्रेंच का सिंबल्स है नेशनल असेंबली का, उसमें Phrygian cap भी है जो तीर के ऊपर लटकी हुई है। तो इसमें हम सब दास्ता से मुक्त होना चाहते हैं, लुई 16 के शासन काल से मुक्त होना चाहते हैं, तो वो रेड कैप दिखाई गई कि नहीं? वो Phrygian cap है उसका नाम। अब जरा देखिए, that is what was Versailles? A slogan, a type of hat, a patriotic song or romantic song? A patriotic song. What? When was France declared a republic? On 21st December, September. France कब republic हुआ? 1792 या 1793 और 5th August? तुमको ये मालूम है, वो घटना याद है कि वो कब रिपब्लिक हुआ, किसके समय में? यस, करेक्ट कह रहे हैं, आप ही बोलो। यस, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, क्योंकि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर खुद बना ही था उसके द्वारा। तो व्हेन वाज द फ्रांस डिक्लेयर्ड रिपब्लिक? 21st May 1992 तो करेक्ट है, क्योंकि 92 से 93 तक में 21st ऑफ मे है। ये चेक कर ले, मुझे मे और सितंबर में ही वो डाउट है। 21st ऑफ सितंबर, सो इट इज 21st ऑफ सितंबर। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर उस समय चुनाव हुए वहां पर, और मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर सत्ता में आया। जब वो सत्ता में आया तो वो किस में था बताओ? वो जो डायरेक्टर से पहले कौन था? कन्वेंशन। सो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर आया तो उसने अपनी संसद का क्या नाम रखा? जब वो फेल हो गया तो फिर कौन आई? डायरेक्टरी आई, पांच लोगों की सभा, ठीक है, और उसके पहले नेशनल असेंबली ने वहां चला दिया। अगली बात देखो, हूज नेम इज एसोसिएटेड विद रेन ऑफ टेरर? बोलो। व्हिच राइट वाज गिवन टू द फ्रेंच वुमेन 1946 में वुमेन को कौन से राइट दिए? राइट टू वोट। व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन बोनापार्ट? अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मीजर्स, ए लॉ ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, डेसिमल सिस्टम और स्लेवरी? स्लेवरी वाज नॉट। ओके, अब देखो, इसका एक ही चैप्टर आ रहा है ना? तो ये कौन सी बुक है? ये तो
क्वेश्चन बैंक फुल मार्क्स की तो क्वेश्चन बैंक फुल मार्क्स की पूछ रहा है। ज्योग्राफी के कौन कौन से आ रहे हैं? फर्स्ट चैप्टर आ रहा है, कुछ करा रहे फिर इससे उठा के चलते हैं, 10 नंबर के एमसीक्यू भी आते हैं। ओके, नाउ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू राजस्थान ओडिशा ओडिशा द ईस्टर्न मोस्ट लेटिट्यूड ऑफ इंडिया। ईस्टर्न मोस्ट वहां पे चले जाओ बेटा, अरुणाचल प्रदेश। नाउ थर्ड, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव बिकम फ्रंटियर्स। ये किसके साथ? ये पांचों देश उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम ये किस देश के साथ अपनी साझा करते हैं सीमा? अभी बता रहे हैं, देखो बिहार चाइना के साथ नहीं करता है, बिहार का चाइना से कोई लेना देना नहीं है। दे आर शेयरिंग देयर बाउंड्री विद नेपाल। ओके, नेपाल बताया ना। यहाँ चाइना के साथ कोई भी बाउंड्री शेयर नहीं करता। Describe the circumstances leading to outbreak of revolutionary protest in France. Leading to outbreak of इसके एट पॉइंट्स है, मैं पहले बोलता हूँ फिर किसी से सुन लूंगा, आप लोग उनसे सुन लूंगा, सिंपल सी लैंग्वेज में पहले लिखा चुका। तो लुईस 16 वाज ऑटोक्रेटिक रूलर। लुईस 16 कैसा था? अपने आप चलाने वाला ऑटोक्रेटिक रूलर। ही वाज एक्स्ट्रावेगेंट, वो बहुत खर्चीला था। कैसा था? एक्स्ट्रावेगेंट। To maintain his palace of Versailles, अब पहले ट्यूलरीज में रहता था, लेकिन लुई 16 से पहले 15 आया, 15 यानी इसके पिता की बात कर रहा हूँ, उसने सोने का महल बनवा डाला। 14 तक के लोग तो ऐसे ट्यूलरीज में रहते थे, पत्थर के महल में, इसने जमीन तक सोने की बनवा ली। दिखाया था तुमको महल इसका? Yes, sir. तो इस तरीके से लुई 16 was autocratic, he was extravagant, ठीक है, and he was spending so much to maintain his palace of Versailles. इसने Versailles के महल को maintain करने के लिए and its royal lifestyle he was spending very much. The rules offices. हाँ, that is इतना तो करता ही था. At that time France was running out of money. ठीक है? अच्छा, अब दूसरी चीज. That treasury was empty. Then also Louis XVI helped America to get free from its 13 colonies of British. इसने अमेरिका को, फ्रांस यहाँ पे है ना, अमेरिका को उसकी 13 कॉलोनी से फ्री कराने के लिए इसने कितने रुपये का कर्ज ले लिया? $2 billion
एक बिलियन लिब्रे का इसने उधार लिया, अब पहले से ही वहां पर क्या हो गया था, 2 बिलियन लिब्रे का था, तो 3 बिलियन का पड़ गया, मोर देन 3 बिलियन, 3 बिलियन, तो मोर देन 2 बिलियन लिखा तो 3 बिलियन हो गया, समझ आया, सुनो इस बात को। दूसरा क्या है, फ्रांस हेल्प्ड अमेरिका, अमेरिका गुलाम था ब्रिटिश का, सही है, तो फ्रांस हेल्प्ड अमेरिका टू डीकोलोनाइज, कॉलोनी को हटाने को क्या कहते हैं बताओ, डीकोलोनाइज, और सेट फ्री अमेरिका, हेल्प द अमेरिका टू गेट सेट फ्री फ्रॉम द 13 कॉलोनीज कैप्चर्ड इन इट, ये फ्रीड, सेट फ्रीड अमेरिका, फॉर दैट पर्पस ही हैज टेकन 1 बिलियन लिब्रे मनी बाय मनी लेंडर्स, नाउ द डेट हैज राइजन अप टू 3 बिलियन लिब्रे, 2 बिलियन का पहले से कर्ज था, 1 बिलियन, तो ये दूसरा रीजन है, पहला क्या बताया, ऑटोक्रेटिक रूलर था, खर्चीला था, दूसरा क्या बताया, दो द फ्रांस वाज रनिंग आउट ऑफ मनी, देन व्हाट वाज द नीड टू हेल्प देम, तुम कर्जे में दूसरे को मदद करोगे, नहीं करना चाहिए, तो दूसरी चीज। तीसरी चीज अब जरा देखिए, नाउ फ्रांस हैज ए वेरी लार्ज आर्मी टू मेंटेन द ऑफिसर्स ऑफ फ्रांस, ठीक है, एंड टू मेंटेन द एक्सपेंसेस ऑफ आर्मी, किन किन चीज़ों को चलाने के लिए, ऑफिस को चलाने के लिए, टू मेंटेन द एक्सपेंसेस ऑफ आर्मी एंड यूनिवर्सिटीज, तीन चीज़ बताइए, क्या क्या बताया बोलो, टू मेंटेन ऑफिसर्स, टू मेंटेन एक्सपेंसेस ऑफ आर्मी एंड फॉर रनिंग यूनिवर्सिटी, द फ्रांस इज कंटिन्यूसली स्पेंडिंग वेरी मच, इस फ्रांस वाज स्पेंडिंग वेरी मच अमाउंट, तीन चीज़ों पे बहुत लगता था, उसकी लार्ज सेना थी, ऑफिसर्स बहुत सारे थे, चौथी चीज द मोस्ट ऑफ द फ्रेंच ऑफिशियल्स वर करप्ट, वो कैसे थे, देवर करप्ट, सो ए पार्ट ऑफ मनी दे आर कीपिंग विद, बस सिर्फ इतना भी लिख दोगे कि करप्ट थे तो बात हो जाएगी, चौथी बात क्या थे, करप्ट थे, सो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वॉट वॉज द रीजन ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन कब होती है, एक चीज से नहीं होती है, जब बहुत सारी चीजें लोगों के मन में इकट्ठा हो जाती हैं तो हो जाती है, और एक इमीडिएट कॉज बताओ, एक इमीडिएट कॉज क्या था, देखो बहुत अच्छा बताया, आप भी बताओ, देखो इन्होंने बता दिया सही, ये भी बता रहे, That was the crisis of subsistence crisis and they बोल दिया इन्होंने कि जब औरतों ने ब्रेड की दुकानें लूट ली, निशा ने पूरी बात कह दी, when the looted, तो जब उन्होंने क्या कर दिया बताइए, कि लूट लिया ब्रेड की, क्योंकि उनको 4.5 घंटे लाइन में खड़ी थी ब्रेड में, अब बोल दिया ब्रेड खत्म हो गई जाओ, बच्चों को छोड़ के आई है वहाँ ब्रेड की दुकान में खड़ी होने, और ऐसे तुमने कह दिया ब्रेड, तो उन्होंने लूट ली दुकान पूरी ब्रेड की, और फिर सुना कि लुई 16 वहां से सेना भेज रहा है, वो उनका आपस में समझौता कराने के लिए भेज रहा था, फॉर द सेटलमेंट, बट दे थॉट दैट दे आर कमिंग टू किल अस बिकॉज वी हैव लूटेड द शॉप, बस उन्होंने सोचा कहीं से भी कुछ भी लो, जल्दी उठो अपनी जान बचाओ, सो विथ कितने 7,000 लोगों के साथ ना, 7,000 लोगों के साथ उन्होंने कहा कि नाउ लेट अस गो, ऑल फार्मर्स वहां के वॉट एवर द इम्प्लीमेंट्स लॉग एक्स वॉट एवर दे आर प्लो जो जो भी था, बोले चलो वहाँ हथियार ले लो, कुछ जान तो बचेगी, दे हैव मूव टू कंट्री साइड, गाँव की तरफ था वो किला बास्तिल, सो दैट, और उन्होंने वहाँ किल कर दिया वहाँ का जो हेड था, ठीक है, जेलर मेन हेड को, एंड कितने लोगों को फ्री कर लिया, 7 वहाँ प्रिजनर से 7 को फ्री कर दिया, so these were the reasons and sell the bricks of the Stalin और सारा वहाँ का हथियार टूट गया। अच्छा अब जरा देखिए आगे, इन्होंने बता दिया, बोल रही है कि since 160 years the tax was not increased and the Louis 16 called the meeting of a state general to increase taxes, at that time the prices of commodities were already high, so this added, ठीक है कि नहीं, agitation in people and these all the cumulative effects of all these aggravated
ए काइंड ऑफ, इन सब ने मिलके क्या किया, ए काइंड ऑफ डिसकंटेंट। एक होता है संतुष्टि कंटेंडेड और एक है डिसकंटेंट। लोगों के मन में एक असंतुष्टि आई और उन्होंने क्या कर दिया, बास्टिल की जेल पर आक्रमण कर दिया। सारे पूरे 8 पॉइंट बताओ। पूरी बात बता दी जो हमने छोड़ दी, जबकि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था हमने छोड़ दिया। और बोलो। तुम्हारी फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस ये नहीं, सब्सिस्टेंस क्राइसिस कब से कब तक था? 1715 से 1789 कितने 90 समझ लो, ये करीब 75 ईयर्स तक रहा है, बहुत 74 ईयर्स तक। ये सही बात है, बुक में लिखाया है, हमने भी लिखाया है। हाँ अब बताइए, ड्यू टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस पर इन्होंने छोड़ा है। Due to bad harvest, there was a subsistence crisis in France, and women have to stand in long queues in front of bakery shops. And after some time, due to bad harvest, women looted the bakery shops. Because of this incident, Louis XVI sent troops to settle the situation. बहुत अच्छा हाँ. Settle the situation, but. A rumor was spread in people that troops were coming to kill them, and more than 2000 men and women gathered in front of town hall and on 14 July 1789 attacked the Bastille jail and killed the jailer and freed 7 prisoners and looted all the ये 2000 वो मैं चेक करूं बुक में 7000 पहले ही बुक के पहले ही पैराग्राफ में 7000 की है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब जरा देखो एक पॉइंट ये भी लिख देना कि एक बच गया है, बताओ कौन सा है। एक ही लाइन का पॉइंट है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्रांस वाज करप्ट, वो कैसा था बताइए, इट वाज करप्ट, इट नॉट गिव वेटेज टू द कॉमन पीपल एंड द वर्क्स ऑफ कॉमन पीपल आर पेंडिंग। वहाँ के जो है ना वो तो अलग बात है, लेकिन जो लोगों के काम होते थे ना, जैसे तुम जाओ बैंक में या एडमिनिस्ट्रेशन में, कह दो सर मुझे सर एक अकाउंट खुलाने का, चलो चलो परेशान करने आ जा। वैसा था एडमिनिस्ट्रेशन, काम ही नहीं करता था लोग। सो इट वाज एक्सट्रीमली करप्ट, सो द कॉमन पीपल वर फ्रस्ट्रेटेड, देयर कॉमन वर्क्स वर पेंडिंग, जो रेगुलर वर्क थे वो कैसे हो गए थे पेंडिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, दैट इज क्या, यस ए बहुत चीज है। That at that time, जो थर्ड स्टेट था, तो थर्ड स्टेट द मिडिल क्लास ऑफ थर्ड स्टेट हैव सो मैनी फिलोसफर्स एंड थिंकर्स, सो दे वर
they have given a new vision and new idea of democracy and nationalism to the common people of France. ठीक है, and जैसे तीनों का नाम लिख देना कि रूसो का, मॉन्टेस्क्यू का, जॉन लॉक का. दे हैव रिटन सो मैनी थिंग्स, है ना, बुक्स विच हैज इंस्पायर्ड द कॉमन पीपल ऑफ फ्रांस टू रिवोल्ट अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग सिचुएशन. तो इंडियंस हमें क्या लगा, वो पूछ रहा है जो फ्रांस के आंदोलन की भूमिका क्या थी, वो कौन कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसके चलते फ्रांस में आंदोलन हुआ, तो तुमको उस समय का लिखना है ना. अगला देखो. नाउ तीन चीजें पूछी गई हैं इस रिवॉल्यूशन से. कौन सा, विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी वाज बेनिफिटेड, विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी फोर्स्ड टू रिलिंक्विश पावर. सेकंड क्वेश्चन है कि किसको अपनी पावर छोड़नी पड़ी, विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी वाज बेनिफिटेड एंड विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी वाज डिसअपॉइंटेड. किसको निराशा हुई, किसको फायदा हुआ और किसको इसमें अपनी पावर ही छोड़नी पड़ी, किसको लॉस, गेन एंड डिसअपॉइंटमेंट. ये कुछ ना मिला, तो हमने सब कुछ किया. लेडीज को कुछ नहीं मिला इससे, बिकॉज दे उनको क्या हुआ, क्या उनको सफरेज मिला, वोटिंग राइट मिले, क्या कुछ नहीं मिला. तो जरा ध्यान से सुनो, बोलने से पहले तीन चीजें पूछी गई हैं. क्या क्या पूछा गया बोलो. कि बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशन व्हिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी वाज बेनिफिटेड, किसको फायदा हुआ, विच हैड बीन फोर्स्ड. क्या तुम अर्पित ये बता सकते हो, हु वाज बेनिफिटेड. थर्ड स्टेट पूरा हो गया. थर्ड स्टेट में भी तीन अलग अलग क्लास हैं, उनमें से कौन नेशनल असेंबली बनाए हुए था, जो अपर क्लास, जो एक्टिव सिटीजन थे, अमीर लोग, वही बेनिफिटेड हुए. उनको नेशनल असेंबली मिल गई, पावर मिल गई, लुई 16 उनके कहे पे चलने लगा. क्या आर्टिजन और पीजेंस को कुछ मिला, क्या तो कुछ नहीं मिला. तो ये लिखना पड़ेगा कि अपर क्लास ऑफ थर्ड स्टेट वाज बेनिफिटेड बिकॉज नाउ दे कंस्टिट्यूट नेशनल असेंबली, है कि नहीं. दे वर द एक्चुअल पावर वाज इन द हैंड्स ऑफ अपर क्लास ऑफ थर्ड स्टेट, उन्हीं के हाथ में तो आ गए. वही एक्टिव सिटीजन थे जो 4 मिलियन लोग थे. अब जरा देखो, विच हैड बीन फोर्स्ड टू रिलिंक्विश पावर, पावर सृष्टि, किसे अपनी पावर छोड़नी पड़ी. हाँ बोलो. नोबेलिटीज एंड क्लर्जीज. नाउ दे वर नॉट गिवन प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ राइट, उनको जन्म पर आधारित सारे प्रिविलेजेस उनसे ले लिए गए. Their lands were confiscated, which evaluated as 2 billion livres. उसके कितनी कीमत हो गई, 2 billion livres, which has helped France to come out of the debt. उनसे जमीन भी ले ली सारे पादरी लोगों से, that is father से. तो the all the land of the and the tithe, जो उस समय धार्मिक कर था ना, 1/10 part, भाई 9/10 तो टेली था, और जो टिथे था वो वन बाय वो भी एबॉलिश कर दिया. ठीक है, सो दैट मींस विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी वाज फोर्स्ड टू रिलिंक्विश पावर, जरा बताइए. तो थोड़ा दो तीन लाइन बोलो, कुछ और बोलना पड़ेगा ना इतना सब. दो लाइन और बोलो. शानवी हाथ उठा रही है, तुम बता नहीं पा रही, बोलो शानवी. अबॉलिश और देयर लैंड्स वर कॉन्फिस्केटेड, उनकी जमीन जब्त हो गई, उस जमीन को बेच के 2 बिलियन लिवरे बने. नाउ मयंक, which section of society was disappointed? Simmons and the poor middle class.
ये सही कह रहे हो। मिडिल और लोअर कास्ट को प्रॉब्लम है। देख लो, जो लोअर क्लास या लोअर सेक्शन ऑफ थर्ड स्टेट एंड द वीमेन, दीज वर डिसअपॉइंटेड। ओके, तो लोअर सेक्शन और मिडिल सेक्शन भी लिख सकते हो, दे वर डिसअपॉइंटेड बिकॉज दे वर नॉट एक्चुअल पावर शेयरर ऑफ द नेशनल असेंबली। जिनको वोट देने का अधिकार नहीं क्या, वो उन्हें नेशनल असेंबली में वो जो 50,000 इलेक्टर्स चुने जाते थे, फिर उससे 745 थे, कितने थे, 743 जो नेशनल थे, उनमें उनका कहाँ स्थान था, सब कुछ नहीं थे। जो पीजेंस और आर्टिजन थे वो तो नहीं थे ना कहीं। अब वुमेन जिन्होंने बोला गया कि भाई उस समय जो ओलंपी डी गॉर्जस वहाँ की एक वो थी लेखिका, दैट इज द फीमेल राइटर, उन्होंने कहा कि वुमेन को सफरेज दिया जाना चाहिए, वो थी, कुछ नहीं मिला उनके क्लब। अभी तुमको सुनाया कि नहीं, इट वॉज लेट 1946 अंटिल द फीमेल ऑफ फ्रेंच सोसाइटी वर स्ट्रगलिंग फॉर सफरेज। हमारे यहाँ तो बहुत पहले मिल गया था वोटिंग राइट, उनके यहाँ 1946 में मिला, 200 साल बाद। यूरोपियन कंट्रीज में वुमेन को आसानी से नहीं मिला, और इट वॉज लेट अंटिल बिफोर 10 years सऊदी अरेबिया हैज गिवन सफरेज टू वुमेन। अभी 10 साल पहले वहाँ मिला। नाउ अब जरा देखिए कि जो लोअर क्लास थी, लोअर क्लास ऑफ वो डिसअपॉइंटेड हुई, उन्होंने किस क्लब की स्थापना की और इसका मुखिया कौन था, एंड हु वाज द हेड ऑफ दिस। यस, अब जरा देखिए अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लेगेसी ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन। For the people of world, देख लो, it was ये कब चीज हुई थी, 5th मई को हुई थी क्या, 1789 बास्टिल जेल पर, ठीक है, 5th मई को बास्टिल जेल पे अटैक हुआ कॉमन लोगों ने, 14 जुलाई 14th में को तो वो सभा बुलाई, राइट, 14th जुलाई। अब जरा देखिए, तो इसने पूछा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से 1792 में तो वहाँ रिपब्लिक हुआ, मतलब बास्टिल पे कब अटैक हुआ, 14th जुलाई को। इसने पीपल ऑफ वर्ल्ड को, सुनो टेक ना लगाओ, कुछ उससे हासिल नहीं होगा, ठीक है, तुम सोचोगे ज्ञान अतिरिक्त, तुमको यू आर गोइंग टू गेट ट्रांस कॉन्शियसनेस लेवल, तुम प्रज्ञान चेतना के स्तर पर पहुंचना चाहते हो, हाथ रख, कुछ नहीं हासिल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि दैट व्हाट द वर्ल्ड, संसार के लोगों को फ्रांसीसी क्रांति से विरासत के तौर पर क्या मिला, यहाँ तक कि जो लोग यहाँ के थे अगर इन पर महाराणा प्रताप राज करते थे तो कहते थे जय महाराणा जय महाराणा, फिर वहां पर सेना ने कब्जा कर लिया, अच्छा अकबर का शासन हो गया, जय अकबर जय बीरबल जय बीरबल, ऐसे लोग थे, उनको पता ही नहीं था कि उनकी टेरिटरी क्या है, बस जिसने आक्रमण कर लिया, जो राजा बन गया उसी को टैक्स दे रहे हैं, उनके अंदर नेशनलिज्म था ही नहीं। भारत के लोगों में भी यही हाल है, गांव के लोगों को क्या लेना देना, वो तो उसी का नाम जपते थे, कहते फोटो बदलो जल्दी, अकबर आ गया, महाराणा हटाओ अकबर लगाओ, उनको बक्से में लाओ। तो लेकिन लोगों को जब ये पता चल गया कि लोग वहाँ पर मर रहे हैं अपने नेशनलिज्म के लिए, उन्होंने अपनी एक मैरियानी राष्ट्रमाता बना ली है और वो अपने झंडे के लिए लड़, कॉमन पीपल लड़ रहे हैं, यहाँ के लोग इंस्पायर्ड हो गए, बोले हम भी लड़ेंगे, अपनी धरती के लिए लड़ेंगे, अपनी जान दे देंगे, नहीं तो अदरवाइज उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग ही नहीं थी। और ये नेशनलिज्म की फीलिंग की राष्ट्र कली गरी, राष्ट्र का एक इंच हम न किसी को दे सकते हैं न किसी से ले सकते हैं, जो जॉन लॉक रूसो इन लोगों ने बताया था, और इसके अलावा भी बहुत सारे नाम 10th में आएंगे, उन लोगों ने बताया कि राष्ट्र एक आत्मा की तरह, इट इज ए एलीगरी, एक बॉडी की तरीके से, इसमें काटा या जोड़ा नहीं जा सकता है कि अकबर जीतता चला जा रहा है जीतता चला जा रहा है, ये थोड़ी होता। तो इस तरीके से राष्ट्र हमारी माता है, हमारी माता और बढ़ नहीं सकती, घट भी नहीं सकती है। इन द सिमिलर मैनर जो फ्रांस ने ये क्रांति की, इससे लोगों में हिम्मत आई कि राजा के खिलाफ भी चाया जा सकता है और जनता भी राजा हो सकती है। भला किसी को लगता था क्या कि हमारा शासन होगा, कोई सोच सकता है,
हम तो सोचते थे जो राजा टैक्स कर दे, ये उल्टी बात थी बिल्कुल, ये बिल्कुल नया तरीका, इट इज़ एलियन आइडिया विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई फ्रांस। फ्रांस ने पूरे दुनिया को सिखाया डेमोक्रेसी, ये बात अलग है कि नेपोलियन ने इसको बदनाम कर दिया, नहीं तो फ्रांस का नाम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा होता। 1804 में जो नेपोलियन आया उसी ने गड़बड़ किया कि नहीं। अब मैं इस पर 7 पॉइंट्स बोलने जा रहा हूँ, फिर आप लोग बताइए। देखो पहली चीज स्नेहा, द फ्रेंच रिवोल्यूशन टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री। अगर तुमसे कहा जाए कि हिस्ट्री को दो भागों में बांटो तो तुम कहोगी बास्टिल जेल पर आक्रमण से पहले का इतिहास और बास्टिल जेल को। तुम हिस्ट्री वहीं दो भागों में बांटती है क्योंकि वहीं से ही दुनिया जो है 180 डिग्री फेज रिवर्सल हो। लोग अब राजा को हटा के उन्होंने उनकी एनार्की को खत्म कर दिया, सिंहासन ध्वस्त कर दिए और खुद अपना रूल ऑफ द पीपल बन गया। सो द हिस्ट्री इज डिवाइडेड एट द अटैक ऑफ बास्टिल। यही 1789 है जिसने इतिहास को दो भागों में बांटा। बात समझ आई? तो पहला तुमको क्या पॉइंट बताया, द फ्रेंच रिवोल्यूशन प्रूव्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट। जब मैं रिवोल्यूशन की बात करता हूं तो तुम बास्टिल अटैक पे जेल को ही मानो। पहली बात क्या बताई, द फ्रेंच रिवोल्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, अगला देखो, द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी आर द लेगेसी ऑफ फ्रांस बेस्टोर्ड टू द पीपल ऑफ वर्ल्ड। आइडिया किसका, लिबर्टी कि हम आजाद हो सकते हैं, हमें राजा की जरूरत नहीं, एंड डेमोक्रेसी। डेमोस का मतलब पीपल और क्रेसी का मतलब रूल। ठीक है, तो जैसे डेमागॉग अगर कोई बहुत खराब बोलता है हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कितना बड़ा डेमागॉग है। जिसको अच्छी स्पीच आती है उसको लोग डेमागॉग कहते हैं, एंड दिस स्किल इज नोन एज डेमागॉगरी। क्या बोलते हैं, डेमागॉगरी। एंड द डेमोस का क्या मतलब बोलो, पीपल। तो दो आइडिया दिया गया था, आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी वाज गिवन बाय फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ये दोनों आइडिया किसने दिए, फ्रांस के द्वारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को दिए। ये दोनों पॉइंट बताओ मानने जरा। बासी लटक बोलना ही नहीं है, तुम्हें बोलना है फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रांस रिवोल्यूशन उसी विवाद हो रही है, हम उसके अंदर क्यों जा। फ्रेंच रिवोल्यूशन इज वो हम जानते हैं, फ्रेंच रिवोल्यूशन कुछ नहीं बासी लटक है। हम बोलो फिर से, अगला पॉइंट बोलिए। From there, the idea of democracy spread all over the world. Idea of liberty and democracy. ठीक है, दो पॉइंट समझ में आ गए, अभी दो और बोलेंगे फिर चारों एक साथ सुनेंगे तुमसे। सुनो, now it has inspired the political movement throughout the world. क्या गांधी जी ने ऐसा मूवमेंट चलाया था कि ये हमारे बहादुर शाह जफर, इनको राजा बना दो तुम हट जाओ, ऐसा तो नहीं चला था। वहीं से सबका माइंड ही चेंज हो गया, बोला अब हमारा शासन चाहिए, राजा ही नहीं चाहिए, ना ईस्ट इंडिया का चाहिए, ना मुगल चाहिए, ना कुछ, हम राजा बने। गांधी जी ने किस चीज़ की स्वतंत्रता मांगी कि स्वराज हमारा जन। सो इसके बाद क्या हो गया, दिस आइडिया हैज इंस्पायर्ड, ये सेकेंड पॉइंट ही है, द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी inspired the rest of the political activities happened after French Revolution. ठीक है, तो लिबर्टी स्वाधीनता और लोकतंत्र की विचारधारा ने संपूर्ण विश्व को इस घटना के बाद से प्रभावित हुआ और जितनी राजनैतिक उठापटक हुई वे इसी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत हुई। बोलो बात समझ आई, ऑल political activities happened after French revolutions were inspired by this. दोनों पॉइंट फिर से बताओ जो उन्होंने बताए। It inspired. बोलो, it inspired. Political activities happened in world. समझ आया कि नहीं भाई, भारत में तो स्वतंत्र संग्राम हुआ इसी वजह से हुआ ना। अब आगे देखिए, फ्रेंच रिवोल्यूशनरी आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी
स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू रेस्ट ऑफ यूरोप. सिर्फ फ्रांस में नहीं हुआ. अभी जब तुम टेंथ की बुक पढ़ोगे ना, तब नेशनलिज्म इन फ्रांस पहले चैप्टर में 8 पॉइंट है हेडिंग, नेशनलिज्म इन फ्रांस, नेशनलिज्म इन इंग्लैंड. इंग्लैंड में भी एलिजाबेथ हट गई, संसद को अधिकार मिल गया. नेशनलिज्म इन पोलैंड, नेशनलिज्म इन इंग्लैंड, नेशनलिज्म इन जर्मनी, ऐसे कर करके वहाँ ये स्लाविक रीजन सभी जगह. जब वो बता नहीं, उनको पढ़ी है तभी तो बता पा रहे हैं, मालूम था क्या सब. तो अभी इन्होंने अगले थर्ड पॉइंट क्या बताया बेटा, देखो बता दिया ना, सेकंड पॉइंट बहुत बड़ी बात है. सो आइडिया ऑफ लिबर्टी और कौन कौन सा, फ्रेटर्निटी जानते हो, और इक्वलिटी. इक्वलिटी का क्या मतलब है, उन्होंने बोला ये जो थ्री स्टेट थ्योरी है कि क्लर्जी नोबिलिटी सब कुछ नहीं है, ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ गॉड, सो एवरीबॉडी शुड गेट ए फेयर चांस, नो वन गेट प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ राइट. बात समझ में आई कि नहीं, बर्थ के आधार पर थोड़ी कि राजा का बेटा राजा बन जाएगा. सो नो वन शुड गेट प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ राइट. कौन कौन सी तीन चीज बताई, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, भाईचारा. ठीक है, फिर से सुनो, दैट इज द मैसेज ऑफ लिबर्टी होनी चाहिए, स्वतंत्र ही नहीं हो फिर हम इक्वल भी हो, इक्वल वुमेन भी इक्वल. लिबर्टी हमने तीनों चीज एक साथ पाई 47 में, हमने वुमेन को भी वोटिंग राइट दे दिया. नहीं, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी. संविधान के पहले प्रश्न पर लिखा है विश्व बंधुत्व, हम सब भाई लोग, ऐसा बोला है कि नहीं. सो दिस आइडिया वाज स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू रेस्ट ऑफ यूरोप. कहाँ पहुंचा, यानी उसके इमीडिएट नेबर की बात कर रहे, वहां पर भी तो कुछ मिला, नहीं तो फिर अगला ही तुम्हारा चैप्टर 10th में क्यों होता कि सब जगह नेशनलिज्म आया, वहां पर सीधा प्रभाव पड़ा. सबसे पहले फ्रांस, उसके बाद सब जगह सब राष्ट्र बन गए. ध्यान दीजिए, वर्ल्ड में इट वाज वेरी लेट, यानी मैं अभी आपको बता दूं, ध्यान दो, 1789 में फ्रांस में रिवॉल्यूशन शुरू हुआ और एक रिपब्लिक हुआ. सुनो, 1792 में कौन बना, बोलो, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर. लेकिन उसने रिपब्लिक बनने को चुन के आया था, उसने गला काटना शुरू कर दिया, लोगों को ब्लॉकिंग करना शुरू कर दिया. 1793 तक वो जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर थे, उसने 90,000 गले काटे. इतने गले कोई काटता है वाला, इसलिए उसके बाद, अब इसके बाद बताइए, इतने गले काटने के बाद गुलोटिनाइज, ऊपर से गिराता था प्लेट और सर उछल के गिरता था, लोग कैच कर लेते थे. गुलोटिन थी बड़ी ऊंचे से मशीन गिरती थी, 4 मंजिल ऊंचे से सर पे ब्लेड गिरती थी, सर उछल के गिरता था, लोगों को मजा आता था देखने. ये फर्स्ट रिपब्लिक है, फिर सेकंड रिपब्लिक आया, फिर थर्ड, फिर फेल हुआ रिपब्लिक, फिर इसके बाद मोनार्की आ गई, फिर लोगों ने लड़ा, फिर रिपब्लिक आया, फिर फेल हुआ, लास्ट में जाके 17 देख लो, 18 अभी तो तुम्हें आधी कहानी सुनाई गई है, आधा सत्य तो तुमसे छिपा हुआ है, आधी कहानी 10th में पढ़ोगी. नेपोलियन के बाद में कि फ्रांस में वास्तव में रिपब्लिक आया कब, वहाँ प्रधानमंत्री कब बना, तो ये कहानी जो है नेपोलियन के बाद की तुम 10th में पढ़ोगी. अच्छा, इसके साथ ही साथ तुम ये भी देखोगी कि 1872 में जर्मन आज़ाद हुआ, ये भी देखोगी कि 1873 में पोलैंड आज़ाद हुआ, और ये भी देखोगी कि 1875 में जर्मनी में भी संसद को असली चीज़ मिल गई. तो पोलैंड की, स्लाव्स की, वही बातें बता रही थी उनको. सुनो श्रेया, मैं तुम्हें कुछ की पॉइंट्स बताती हूँ, समझ आई बात कि नहीं. और यहाँ से सबसे पहले कहाँ आया, यूरोप में ना, और इसी के साथ ये जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था ना, इसी के साथ साथ फ्यूडल सिस्टम खत्म हो गया. अभी वो भी बोलने जा रहा हूँ, दैट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन वाज दैट कि सामंतवादी प्रथा का यूरोप में पूरी तरीके से अंत हो गया, कि एक देगा और दूसरा टैक्स के पैसे सिखाएगा. इसको क्या कहते हैं, फ्यूडल सिस्टम. सो फ्यूडल सिस्टम वाज रिमूव्ड एंड इट्स इमीडिएट इफेक्ट हैज डिसिमिनेटेड. ये कहाँ कहाँ गया बोलो, थ्रू आउट द यूरोप, एंड द मूवमेंट ऑफ नेशनलिज्म एंड डेमोक्रेसी इमीडिएटली स्टार्टेड आफ्टर द फ्रेंच रिवोल्यूशन थ्रू आउट द वर्ल्ड. नहीं हुआ उसके बाद तो, अभी हमने तो कितनी देर में पाई, 1947
अरे पहले पहले ब्रिटेन तो आजाद हो जाए, हम कहेंगे तुम खुद आजाद हुए पड़े, वहां तुमने अपनी संसद बना रखी, हमको नहीं करोगे आजाद, तुम भी आजादी लो। हम पहले से आजादी मांगने लगते। अगर तुम कहो कि हमने 1857 में क्यों नहीं मांगी, 57 में तो हमें मालूम ही नहीं था, 57 में जैसे हम कह रहे हैं ना 57, ये तो तब आजाद हुआ, ब्रिटेन आजाद होगा कि नहीं, 1857 का हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, तब तक तो ब्रिटेन में ही महारानी थी, तो हमने 57 बोला हमारा बहादुर शाह राजा है, हमें उतनी जागरूकता आई ही नहीं थी। समझ आई बात की नहीं? हम उससे 13 साल पहले की बात कर रहे हैं, हम ये जान ही नहीं पाते जब वहाँ उनको क्या मिल गया, संसद। हमने कहा हमको भी संसद चाहिए, अपना तो संसद चला रहे, रानी हटा दी, उनको कब दोगे संसद, बोले आप भी लो, हमने कब पाई, बोलो समझ आई। अब तीसरा पॉइंट सुनो, दो तुम सुन चुकी हो, पहला तुम्हें बताया कि दैट इज द फ्रेंच रिवोल्यूशन इज द मेन हिस्टोरिकल इवेंट इन द हिस्ट्री, पहली बात समझ आ गई। दूसरी क्या बताई, दूसरी तुमको बताई दैट इज द डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी आर द की फैक्टर्स इन द फ्रेंच रिवोल्यूशन विच स्प्रेड बाय फ्रांस एंड द होल वर्ल्ड। सब जगह ये दोनों फैक्टर, अभी ये बात अलग है कि पूरे वर्ल्ड में केवल 30% लोग ही डेमोक्रेटिक है, 70% लोग इसका सुख नहीं पा पाए, 30% ऑफ द वर्ल्ड इज डेमोक्रेटिक अभी तक, और 70% कहीं किम जोन उन का राज है, कहीं शी जिनपिंग है, और कहीं वो प्यूटिन है। प्यूटिन तो बोल दिया सुनो जब तक हम जिंदा हैं हम ही रहेंगे, जनता थोड़ा चुपचाप बैठी रहो, ये डेमोक्रेसी। समझ में आ गई बात? और जिस 30% डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, पूरे दुनिया में 20% तो इंडियन ही है, हाँ 20% और बाकी जो बच गए, हर दुनिया का 1/5 इंडियन है, हर देश में 1/5 इंडियन है, और जिनको मिल रही मिल रही। बात समझ आई? अभी हम तीसरी बात करें, सेकंड पॉइंट समझ में आया, लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी दीज की आइडियाज स्प्रेड थ्रू आउट द होल वर्ल्ड। एंड अभी निष्का ने क्या बताया, ऑल पॉलिटिकल एक्टिविटीज ठीक है हैपेंड इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन दीज कीवर्ड्स। बहुत बड़ी बात होता है, आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन बोलना उसके बाद ही ना। अब तीसरी बात, तीन पॉइंट्स कौन कौन से बताए बताओ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड में तुमको बताया लिबर्टी, और क्या बताया इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, दीज थ्री आइडियाज स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू यूरोप एंड द यूरोपियन जो कंट्रीज थे दे एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम। इन्होंने क्या किया बोलो, फ्यूडल सिस्टम, अब कोई टैक्स किसी से कलेक्ट नहीं करता था और वहां पर कोई सामंतवादी प्रथा नहीं थी। जोधपुर और राजस्थान में मारवाड़ इस क्षेत्र को कहते हैं, यहाँ खुद सामंत हुआ करते हैं। समझ आई बात की नहीं? दे एबॉलिश्ड इसी के बाद से हो गया फ्रेंच रिवोल्यूशन, इसके बाद से फ्यूडल सिस्टम खत्म हो गया एंड द यूरोपियन नेशन स्टार्टेड, द पीपल ऑफ यूरोपियन नेशन स्टार्टेड डिमांडिंग डेमोक्रेसी। क्या डिमांड करना शुरू कर दिया डेमोक्रेसी। सो इस तरीके से अब चौथी चीज देखो, नाउ द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, जॉन पॉल मारत, इसके कौन थे तुम्हारी बुक में नहीं है लेकिन ये और भी राइटर, फ्रांस ने सिर्फ तीन ही नहीं दिए और जो पांच राइटर हैं वो तुमसे छिपाए गए हैं, वो आगे 10th में बताए जाएंगे, उनमें एक जॉन पॉल मारत है। जॉन पॉल मारत ने बोला मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर से, तुम ये सही नहीं कर रहे हो, तुम डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके आए हो, तुमको लोगों ने चुन के भेजा है और तुम लोगों का सर काट रहे हो। उसने कहा जॉन पॉल मारत को गुलोटिन के नीचे रखो, उसका भी सर उछाल दिया जिसने है, देखो जॉन पॉल मारत का। तो ये जो नेशन की अवधारणा है, तो चौथी चीज क्या बताई, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म ठीक है स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू थ्रू आउट द वर्ल्ड। ओके, नेशनलिज्म की डिमांड होने लगी। अब जरा देखो बताओ इंडिया में कौन कौन लोग इनसे प्रभावित थे फ्रेंच रिवोल्यूशन से, दो लोगों के नाम बताओ मान्या, मयंक बताओ, राजा राम मोहन राय एंड टीपू सुल्तान, दे वर ओके इंस्पायर्ड बाय दीज
these were inspired by the French Revolution. So they want to establish. वो क्या करना चाहते थे? They want to establish the same democratic rule in India. चलो. ये दोनों क्वेश्चन करके दिखाओ.